कांग्रेस हरियाणा दिवस पर यमुनानगर जिले में कांग्रेस लाओ देश बचाओ रैली करके भाजपा जजपा गठबंधन सरकार को घेरेगी। पूर्व मंत्री और प्रोग्राम फिक्सेशन कमेटी के अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने बताया है कि कांग्रेस हरियाणा दिवस पर प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार, बढ़ते नशे, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस लाओ देश बचाओ रैली में सरकार को घेरेगी। प्रोग्राम फिक्सेशन कमेटी की हुई पहली बैठक में कई अहम फैसले लिए गए और इस बारे में पूर्व मंत्री एवं प्रोग्राम फिक्सेशन कमेटी के अध्यक्ष अशोक अरोड़ा से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। प्रोग्राम फिक्सेशन कमेटी की आज पहली बैठक हुई। इस बैठक में क्या फैसले लिए गए, इस समय मेरे साथ हैं कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, इनसे जानते हैं कि आज की बैठक में क्या फैसले लिए गए हैं और किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदयपान द्वारा जो कमेटी का गठन किया गया उसकी आज मीटिंग हुई। प्रोग्राम निर्धारित कमेटी की भी किस प्रकार से प्रोग्राम बनाया जाए। आज देश और प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से दुखी हैं और उम्मीद जो है केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी की जो आज मीटिंग हमारी हुई उसमें निर्णय लिया गया कि 1 नवंबर हरियाणा का बहुत ऐतिहासिक दिन है। उस दिन हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ था, उस दिन से जन आक्रोश रैलियां करके 90 के 90 हलकों में कांग्रेस लाओ देश बचाओ का नारा देकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हुड्डा साहब रैलियां करेंगे और वो लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर लगातार हम चलेंगे और निश्चित रूप से इस देश में बदलाव आएगा और देश और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अरोड़ा जी, हरियाणा डे पर कहाँ जनसभा होगी और क्या मुद्दे उस जनसभा में उठाए जाएंगे? 1 नवंबर को जो हमारी इस प्रोग्राम की शुरुआत कांग्रेस लाओ देश बचाओ की है वो यमुनानगर जिला के रदौर विधानसभा क्षेत्र से की जाएगी। और मुद्दे तो आज देश में बढ़ती बेरोजगारी है, बढ़ती महंगाई है, बढ़ता भ्रष्टाचार है और हरियाणा प्रदेश के अंदर तो हरियाणा प्रदेश की सरकार स्वयं में अपने आप में एक मुद्दा है कि अहंकार से भरे हुए लोग हैं कि किस प्रकार जन संवाद के नाम पर लोगों को अपमानित करते हैं। हरियाणा में नशा बढ़ता जा रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर पहले भी विपक्ष आपके समक्ष हुड्डा साहब के कार्यक्रम हुआ, जन मिलन सभाओं चल रहे हैं और क्योंकि अब लोकसभा के चुनाव एकदम नज़दीक है उसमें पूरे विधान 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर कांग्रेस पार्टी से लोगों को जोड़ने का काम करें। ये थे मेरे साथ पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, इन्होंने बताया कि आज प्रोग्राम फिक्सेशन कमेटी की पहली बैठक हुई है और इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और क्या फैसले लिए गए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।